करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 4th of January 2023 थर्सडे एंड 2023 थर्सडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष वर्मा। डॉलर इंडेक्स अभी है आपका 102.40। कल भी अच्छा खासा बाउंस देखा गया डॉलर इंडेक्स में एंड जिसके कारण ये ऊपर गया था 102.72 तक एंड करेंटली एक रेजिस्टेंस जोन पे 102.50 से 102.75 के बीच में। क्या इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ पाएगा? अगर तोड़ पाएगा देन आवर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन इज एक्सपेक्टेड टू बी 104 से 104.20। अगर यहां पे रेजिस्टेंस लेके बाउंस बैक करते हैं तो नीचे की तरफ अगेन आपका जो 101 के आसपास आने का प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं। डॉलर रुपी नथिंग न्यू, करेंटली इट इज एट 83.31 लेवल्स। वही आपका 25-30 ऑन द लोअर साइड, 35-38 ऑन द हायर साइड, नैरो रेंज हो चुका है। सो इंतजार करना पड़ेगा। जीबीपी डॉलर 1.2661। कल के दिन ये बाउंस बैक किया फ्रॉम द लो, रिसेंट लो दैट इज 1.26 लेवल से। बाउंस बैक करने से भी हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है ये है आपका 1.2725 से 1.2750 का जो है, वहीं पे जाके दोबारा रेजिस्टेंस ले सकते हैं। सो अभी बेसिकली जीबीपी डॉलर को अगर ऊपर जाना है तो इस जोन को क्लियर करना पड़ेगा ऊपर की तरफ, और अदरवाइज थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन तो लिटिल पुल बैक और रिट्रेसमेंट इज एक्सपेक्टेड। जीबीपी आईएनआर कल के दिन में डेज मींस रिसेंट लो से, कौन सा लो था आपका 105 से, फिर बाउंस बैक किया एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल के साथ। अभी यहाँ पे है आपका 105.45। यहाँ पर भी ये जो रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन को आपको क्लियर करना पड़ेगा जीबीपी आईएनआर को, अगर इसको ऊपर जाना है तो। तब तक ये थोड़ा सा साइडवाइज टू लिटिल बिट पुल बैक नीचे की तरफ रिट्रेस करने का प्रयास कर सकता है। यूरो डॉलर में, लेकिन जीबीपी डॉलर में जैसे जो लॉसेस था परसों वो मींस पार्शियली ऑलमोस्ट 40% रिकवर कर चुका था, वेयर इज यूरो डॉलर पे रिकवर नहीं हुआ। रेदर एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल, स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल, इट्स एन इंडिसिशन। सो इंडिसिशन का मतलब क्या है? हाई के ऊपर फर्दर फॉर अपवर्ड डायरेक्शन में जाने का प्रयास, लो के नीचे सेल ऑफ कंटिन्यू। सो अभी यहाँ पे क्या होता है वही देखना पड़ेगा। थोड़ा सा सॉफ्टनेस बरकरार है जब तक ये डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा कंटिन्यूड स्ट्रेंथ दिखा जाएगा, वो तब तक थोड़ा सा जीबीपी डॉलर यानी यूरो डॉलर में वीकनेस हम देखेंगे। अभी देखना है डॉलर इंडेक्स में क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है। अगर यहाँ पे नीचे आता है तो दोनों यूरो डॉलर एंड जीबीपी डॉलर में वापस हम अपवर्ड बायस देख सकते हैं। यूरो आईएनआर यहाँ पर भी मींस जैसे जीबीपी आईएनआर में आपका देखो क्या था, आपका 2nd January का जो लॉसेस था उसको ऑलमोस्ट 40-50% रिकवर कर चुका कल के प्राइस एक्शंस में, लेकिन यूरो आईएनआर में वो रिकवरी नहीं था। रेदर एक स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल बनाया हुआ है, व्हिच सिग्निफाइज एन इंडिसेशन। सो इसके हाई के ऊपर ऊपर की तरफ अपवर्ड जर्नी, लो के नीचे फर्दर सेल ऑफ इज एक्सपेक्टेड। अगर नीचे की तरफ सेल ऑफ होता है तो एक स्मॉल सपोर्ट लेवल हो सकता है, दिस वन। कौन सा लेवल है? ये है आपका 90.40 से 90.50। डॉलर ईएन पे भी जैसे डॉलर इंडेक्स रिकवरी किया ऊपर की तरफ बाउंस बैक करने का प्रयास किया, काफी अच्छा खासा आप लोग पिछले 4 दिन में हमने देखे, 3-4 दिन में, तो डॉलर येन में भी वैसा ही रिकवरी ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया। तो अभी हमें देखना है ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस 143.85 से 144 का, क्या इस लेवल पे ये रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ आते हैं या ऊपर की तरफ इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हैं, क्या करते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। येन आईएनआर में आपका यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है ये है आपका 57.60 से 57.80 का एक सपोर्ट लेवल है। सो आने वाले आज या आने वाले दिनों में क्या इस लेवल पे सपोर्ट लेके वापस बाउंस करता है ये हमें देखना पड़ेगा। डॉलर कैंडी में भी डॉलर मींस डॉलर जैसे फ्रॉम द लोज पिछले 3-4 दिन में रिगेन किया, तो डॉलर कैंडी में भी अच्छा खासा बाउंस बैक किया। अभी जो इमीडिएट मेजर रेजिस्टेंस लेवल है
उसके सामने आके रुका हुआ है 1.3390 से 1.3420। यहाँ पे देर आर हायर पॉसिबिलिटीज के रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ आने का प्रयास कर सकते हैं। ऑसी डॉलर में अभी सेंटर बैंड में आके रुका हुआ है, तो जैसे डॉलर इंडेक्स अगर यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस लेते हैं तो वैसे ही ऑसी डॉलर भी आपका ये बाउंस बैक यहाँ से सपोर्टेड ऊपर की तरफ बाउंस बैक करने का प्रयास कर सकते हैं। अभी देखना है कि डॉलर इंडेक्स क्या करता है। CNH 7.1620 ये कंसोलिडेट सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेट करने के बाद बाउंस बैक किया, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज के 7.20 की तरफ ये जाने का प्रयास करेगा एंड उसी डायरेक्शन में ये जाने का तैयारी कर चुका है, ऑलमोस्ट 50% डिस्टेंस कवर कर चुका है। ब्रेंट क्रूड में कल एक अच्छा खासा बाउंस बैक किया है क्योंकि कल कुछ लीबिया में सप्लाई में से कुछ ऑयल फील्ड का क्लोजर हुआ है, बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे एक अच्छा खासा सप्लाई शॉर्टेज के कारण एक पिन बार अच्छा खासा मस्त पिन बार बनाया हुआ है। ऐसे में कल का अगर हम आप मेरा ब्रेंट क्रूड का एनालिसिस देखोगे, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, यहाँ पे पिछले 3 दिन में सेलिंग था, तो हमें ये देखना था क्या ये इस एरिया पे एक सपोर्ट बना के ऊपर करता है। अभी हमें देखना है क्या ब्रेंट क्रूड अभी आपको ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जहाँ से घूम के आया है आपका 81.30-81.40 का इस लेवल को चैलेंज करके ऊपर की तरफ जाता है। अगर इस रेजिस्टेंस जोन को क्लियर करके ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा जो सेकंड टारगेट 84 का वो होगा, लेकिन अभी हमें इंतजार करना है इस लेवल को, कौन सा 81.20 से 81.30 का जो रेजिस्टेंस है। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी कल ऊपर की तरफ सस्टेन कर नहीं पाया, इट ट्रेडेड हाई ऑफ 4.01 लेकिन नीचे की तरफ क्लोज दे दिया आफ्टर FOMC मिनट्स के बाद, जहां पे ऑलमोस्ट ऑल द मींस और नॉट ऑलमोस्ट ऑल द मेंबर्स एग्रीड दैट अभी रेट हाइक काफी हो चुका है, मींस इकोनॉमिक रिकवरी को जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे हमें रेट कट की तरफ जाना चाहिए, जिसके FOMC मिनट्स के बाद यहाँ पे हायर लेवल से ये यूएस 10-ईयर ट्रेजरी सेलिंग देखा गया एंड अभी आपका 3.95। सो ये सेंटर बैंड में रेजिस्ट कर रहा है, ये सेंटर बैंड में जब तक इस सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस मिलेगा तब तक ये और तब तक ये नीचे की तरफ जाएगा और भी प्रयास कर सकता। US 2-year treasury में भी कल के दिन अच्छा खासा ऊपर की तरफ रिकवरी करने का प्रयास किया था, इट ट्रेडेड हाई ऑफ 4.38 लेकिन ऊपर के लेवल पे आफ्टर FOMC रेट डिसीजन सस्टेन कर नहीं पाया एंड सेल ऑफ हो गया, तो इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस है वहां पे आके रुका हुआ है। देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ये जो जोन है आपका यहाँ पे एक जोन बनाया हो, इस जोन को क्लियर करना है, अभी कौन सा डायरेक्शन में क्लियर करेगा दैट इज द क्वेश्चन, क्या ये नीचे की तरफ क्लोज डाउन करेगा या ऊपर की तरफ क्लोज आउट ब्रेकआउट करेगा, ये हमें देखना है। अब अगर ये नीचे की तरफ क्लोज डाउन करते हैं देन ब्रेक डाउन करते हैं इन सच ए केस फर्दर सेलिंग हम देख सकते हैं, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं तो थोड़ा सा मीन्स डिफरेंट लेवल्स पे रेजिस्टेंस मिल सकते हैं। करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा, शेयर कीजिए एंड थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट।